हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न हो जाएगा, जो कि आपके 6वीं से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यूपीएससी, आईएसपीसीएस, बैंक, रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, केबीएस, ठीक है। और ये कारक है, कारक तो आप जब 6वीं क्लास में चले जाते हैं तब से आपका स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आप पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब तक आप लोग नौकरी नहीं पा जाते तब तक ये कारक आपका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। तो आज की क्लास में हम अगर मैं बात करूं तो दो नंबर कारक के लिए एक प्रश्न आया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर दीजिएगा, वाक्य में शब्द का संबंध किससे है, ठीक है। वाक्य में शब्द का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा आपका कारक से संबंध है, ठीक है। यानी कि वाक्य में शब्द का जो संबंध है आपका कारक से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कितने कारक होते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 8, इज द राइट आंसर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, राम ने श्याम को मारा तो कौन सा कारक, तो राम ने मारा तो कर्ता कारक, और किसने, राम क्या एक कर्ता है, किसको मारा, श्याम को, यानी कि ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म है, ठीक है, कर्म कारक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है, तो आंसर भूखों को खाना खिलवाओ, भूखों को खाना खिलवाओ, यही हमारा क्या है, कर्म है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अपादान कारक, किस वाक्य में अपादान कारक है, आंसर होगा हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए अपादान का मतलब क्या होता है, किसी चीज से अलग होना, तो गंगा किससे निकल रही है, हिमालय से, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, तो ये अपादान का कारक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, को और को के लिए किस कारक का चिन्ह है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो को और के लिए आपका संप्रदान कारक का चिन्ह, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संबंधित प्रश्न दिए गए रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए, ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह, तो आंसर होगा आपका कर्ता कारक, ठीक है, किसने पढ़ा, बालक ने, बालक हमारा क्या है, कर्ता, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक, यानी कि ये संबोधन कारक, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक, वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक, आंसर होगा अधिकरण कारक, अधिकरण का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरपाई पर भैया भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई किस कारक में, चरपाई पर भाई साहब बैठे इस वाक्य में चरपाई किस कारक में, आंसर होगा आपका अधिकरण, ठीक है, अधिकरण है, ठीक है, बी सॉरी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक, आंसर होगा आपका अपादान, अपादान, कहाँ से जा रहा है, जयपुर से दिल्ली, यानी कि अलग होना, अपादान, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष राम को पीट रहा है, इस स्थूलांकित शब्द में कारक पूछा, पीयूष राम को पीट रहा है, ठीक है, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कर्म, क्या कर रहा है, कर्म हो रहा है यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है, आंसर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, आंसर हो जाएगा आपका को, डी इज द राइट आंसर, को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक, आंसर हो जाएगा आपका करण से, ठीक है, मैं काम से क्या जा रहा हूँ, काम से, काम हमारा क्या बता, कारण, किसी कारण बस जा रहे हैं ना, राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्यों को कारक बताइए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्यों का कारक बताइए, आंसर होगा आपका कर्म कारक, कर्म किया उन्होंने कि क्या किया, शोरगुल किया, ताकि क्या करे, वहां से जो डाकू थे भाग पिटाए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का में कारक बताइए, लड़का पेड़ से, अब लड़का पेड़ से गिरा तो राइट आंसर क्या होगा, अलग होना, जब अलग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक, पेड़ पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक, आंसर होगा आपका अधिकरण, ठीक है,
अधिकरण डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, आंसर हुआ यहाँ पे हो जाएगा वाहन रूल, वाहन रूल ए इज द राइट आंसर। ये 20 क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको 5-5 के ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और काम पे आपको पहले मुझे तो याद, इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम, ठीक है, जहाँ जहाँ पहले इसको शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और बताइए किसके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए टोटल, कमेंट कीजिए।